कहाँ से आ रहे आप लोग? कहाँ? बिहार लोग? साहेबगंज से। सिमडेगा। कांके से? मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। पटना से? कैसा लग रहा है झारखंड आके? आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ राजीव भैया के चर्च अटेंड करने के लिए आई हूँ, जो कि स्पेशल हम लोग का चीफ गेस्ट जो सूरज भैया है। तो बस मैं उन्हीं के वचन, जो उनका जो वर्ड जो कहते हैं, मैं उसके वर्ड से मैं बहुत आशीषित होती हूँ। प्रभु को वचन से मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को सभी को आशीष दे और सूरज भैया को भी गॉड ब्लेस। यही चाहते हैं कि मेरा घर परिवार सुख शांति से रहे और प्रभु में आगे बढ़े और सभी को विश्वास में आए। दर्शन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रभु उनको आगे बढ़ाए, प्रभु के कार्यों में वो लोग सहयोग करें। जब प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे तो समाज के आगे बढ़ने पाएंगे। के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि वो परमेश्वर को थामने रखे हैं तो उनके जीवन में बहुत आशीष मिलेगी। जो परमेश्वर दूसरों के लिए करता है, वो जैसे हमारे लिए परमेश्वर ने किया, वैसे वो उनके लिए भी करें जी। और परमेश्वर उन्हें और आशीष दे और अद्भुत तरीके से उन्हें इस्तेमाल भी करें। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या सीखे? कैसा लगा आप लोगों को? भैया का वचन तो हमेशा ही अच्छा होता है, अच्छा ही लगता है। आप लोग आज की आराधना कैसी लगी? अच्छा लगा। आप लोगों को प्लीज शर्मा यानी अच्छे से बोल सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखे। और वचन से कुछ प्रभु की परिस्थिति को, परिस्थिति क्या, प्रेजेंस को मैंने महसूस किया है। आराधना आपको कैसी लगी? अभिषेक तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, काफ़ी आत्मिक में मतलब फिर से ग्रो करने का मौका, मतलब अच्छा लगा। सप्ताह का सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि इतने अद्भुत सभा में उन्होंने लेकर के आए हैं और आज का वचन सचमुच बहुत अद्भुत था। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जो भी मैं लाइफ जी रही थी या फिर जो भी परेशानियों में उलझनों में मैं पड़ी हुई थी, आज के वचन से और जो भी सूरज पास्टर ने जो भी उन्होंने कहा, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सवालों का जवाब मिल गया है और सचमुच मैं खुदा में बढ़ती रहूं। आप लोग दुआ कीजिए और सचमुच परमेश्वर का महान। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, परमेश्वर हमको छुआ, बहुत अच्छा लगा। और आज की परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि मेरे पिता इसी तरह सबको देव छू, फिर वो आपके नाम की महिमा करे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जीवन कैसे होना चाहिए आज का दिन, तो खासकर ये है कि अपने जवान हम कैसे कंट्रोल करें, किसी से बात करें, चाहे गैर मसीह लोग के पास भी हम जब जाते हैं तो ये हम कैसे छोड़ते हैं अपना जवान है ना, मतलब सहता है, तो ये हमें बहुत ही ये करना सीखना पड़ेगा कि वचन हमें क्या सिखाता है, कैसे लोगों से भी बात करें, मसीह लोग के बीच में भी, अफकोर्स परिवार में भी। और ये वचन हमें प्रतिदिन हमसे बात करें, जैसे भैया ने बताया कि जवान को नियंत्रित करो, और ये हमें बहुत आशीषित करता है। थैंक यू। बहुत अच्छा था हम लोग का फर्स्ट डे और लास्ट डे। कैसा? बहुत अच्छा लगा। क्या वचन ने आपसे बात की? वो आ जाएगा, उनका जो मन है। हाँ, अच्छे से हम लोग प्रार्थना में यही रखें कि हम लोग को अच्छा बस जमीन अच्छा मिले, ताकि जो बीज बोया गया है अच्छे से और परमेश्वर के पीछे लगे रहो। मैंने आशीष पाए, सही बता रहे। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब तीनों दिन हम लोग लगा ना सिर्फ हम लोग के लिए वचन था। एग्जैक्टली सही लगा, मतलब अभी जो हम लोग का यूथ जो है बिल्कुल, मतलब डिप्रेशन, सुसाइड, कैरियर, सोसाइटी और लवलेस, तो बहुत सारी चीज़ों में फंसा रहता है ना, उसके वजह से पूरा एकदम माइंड थोड़ा डिस्टर्ब टाइप है। तो लेकिन यहाँ पर इतना सुकून मिला, एग्जैक्टली हर एक चीज़ ऐसा लगा सब चीज़ से छूट चुके हैं।
और आज का जो वचन था हम दोनों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा लगा, मतलब ऐसा फील आ रहा था कि सही में यीशु मसीह मतलब मेरे पास आ गए थे। मतलब एक तरह से पूरा एकदम हम फ्रीज हो गया था। मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि वो माहौल में, मतलब जिस माहौल से हम गुजरे ना, पूरा डिप्रेशन जो चीज़ था, मतलब बहुत फैमिली का इशू बहुत होता है ना मेरे साथ, उसी ऐसा लग रहा है बहुत हल्का लग रहा है हमको। मतलब ऐसा चीज़ हमको हील की है, ऐसा हमको टच कर रहा है, मतलब इतना अच्छा लगा कि तभी मेरे है ना, तभी मेरे आगे का पास्ट का जितना भी है सब चीज़ हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतना ही कहना चाहता हूँ आपको और आशीष, थैंक यू। हम लोग इशू की खोज में आए थे और हम लोग प्रॉब्लम मिल गया। ग्रेट, ये वजह था कि हम लोग अपने जीप कंट्रोल में रखें और परमेश्वर की अगुवाई में, मतलब उस हिसाब से अच्छी बातों को बोले ताकि किसी को हर्ट ना हो अपनी जबान के द्वारा। आज अच्छा लगा, आनंदित हुए, खुश। हाँ, वी आर ब्लेस्ड और बिकॉज अमेजिंग। और हम लोग का मतलब आशा करते हम लोग यहाँ से एक नए बातों को सीख कर जा रहे हैं, नए होके जा रहे हैं, नई बातों को सीख के जाते हैं, जुड़िए परमेश्वर के बारे में सीखिए, परमेश्वर आपका जिंदगी बदलना चाहते हैं। बता सकते हैं कि इस तरह हमने सीखा कि आगे के लिए जो हम लेना है, हमने डिसीजन अच्छा ले सकते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं आगे के लिए परिवार के बारे में। थैंक यू। संगति में बहुत संगति में और जैसे आज आदमी बहुत अच्छा बात को सीखे कि हमेशा यानी कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। और ये चीज़ हमको प्रभावित किया है और हम इस काम को सेवकाई में भी हम इस्तेमाल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लगा आपको वचन? बहुत अच्छा लगा, लग रहा मेरे लिए वचन था, मेरे लिए पुस्तक था, बहुत बहुत प्रॉब्लम से अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये तीन दिन आपको कैसा लगा? ये तीन दिन जो था बहुत ही आशीषित था और अनुग्रह का समय था, बहुत अच्छा लगा तीन दिन। आज लास्ट डे है, आज लास्ट इवनिंग है, तो आज भी बहुत इंजॉय करेंगे और परमेश्वर की आशीष को लेंगे। और क्या में कैसा लगा? बहुत बढ़िया होगा। क्या सीखे कुछ? क्या सीखे? अपने जबान को लगाना पड़ेगा। और बाकी पुराने दो वचन में से मैं बताना चाहूँगा, असली शांति यीशु की संगति में है, यीशु के साथ है। आप सभी को जय मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। आपको आज का वचन और आराधना कैसे लगी? मेरे लिए तो नहीं बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत खुश हूँ और इस दिन का इंतजार था बहुत दिनों से और आज आखिरी दिन है। आज बहुत खुश हूँ, जितने लोग आने वाले यहाँ पे आए, हर एक जन बरकत पाए, हर एक जन आशीष पाए और बहुत सारे आशीषों के साथ बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे मुझे फोन मत करना, नहीं करता। एक दूसरे से प्रेम करना है ना। हाँ, परमेश्वर की चेतावनियों को, उनकी विधियों को, उनकी आज्ञाओं को मानने और उस पर चलना है। आज के वचन से क्या सीखी? हंसना। प्रभु में खुश रहना चाहिए। क्या बताए, कैसा लगा? तुम्हारा फेस तो ऐसे भी रिवील हो गया है। हाँ, तो अपने फेस के बारे में बताओ। फेस बहुत खराब दिखा मैं। अभी अभी वचन में सीखे हैं कि अच्छी अच्छी बातों को बोला जाए और तुम खराब बातें बोल रहे हो। वीडियो में नहीं, वीडियो में क्या, वीडियो में नहीं, अच्छी बातें बोलो। बहुत अच्छा, तुम लोग आके लगा कि मैं पहले चर्च नहीं जाता था, तीन दिन मुझे आके लगा कि हाँ ये कुछ है, इसमें विश्वास रखना है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब में आके, ये सब में आके। तुम चुप क्यों भाई? ऐसे सही हम लोग नहीं 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 सब आये, सही है। ऐसे क्यों जा रही? वाह, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा कि आपको कह नहीं सकते। आशीषित हो? एकदम। खुश हो? एकदम। तो क्यों शर्मा रहे हो? थोड़ा सा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, अचानक से कैमरा देख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि और ऐसा प्रोग्राम होते रहे। मेरे लिए तो अफसोस है, तीन दिन सेटिस्फाइड नहीं है। और वन वीक, आई नीड वन वीक। एग्जैक्टली वन वीक। बहुत अच्छा था पूरा चर्च, हम लोग तीन दिन लगातार आए और आगे भी ऐसी चर्च हो ना। हाँ, और हम लोग आएंगे। हाँ, इससे भी बड़ी,
स्टेडियम ले लेंगे इस बार। स्टेडियम लेंगे इस बार, ये होती है ना अच्छी बात बोलना, तभी से क्या खराब खराब बोल रहे थे। खुश है, आनंदित है।